हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली ढोकला। इडली ढोकला मुंबई और गुजरात का फेमस डिश है। यह एकदम ही कम तेल और हेल्दी और झटपट बन जाने वाला डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं इडली ढोकला बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स: एक नींबू का रस, एक पैकेटिनो, एक टेबल स्पून नमक, जिंजर पेस्ट 1/2 चम्मच, सरसों 1/2 चम्मच, दही 3/4 कप, हल्दी 1/4 चम्मच, सूजी 1/2 कप, क्रश कोकोनट 2 चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्च, 10-12 करी पत्ता, 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल और चीनी 4 चम्मच और बेसन 1 कप। बेसन को एक बड़े बाउल में डाल लीजिए। फिर इसमें सूजी डाल लीजिए। फिर इसमें दही डाल लीजिए। दही को हमने मिक्सर में फेंट लिया है। ऐसे करने से ढोकला अच्छा बनेगा। फिर इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। फिर गार्लिक डाल लीजिए। फिर हल्दी डाल दीजिए। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें नमक डाल लीजिए। अब इसमें चीनी डाल लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें आप पानी भी मिला सकते हैं मिक्स करने के टाइम, और इस तरह से आपका घोल हो जाना चाहिए। ये गिरे तो एक पेस्ट की तरह गिरे उठाने के बाद। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट की तरह ये गिरना चाहिए। अब जो इडली स्टैंड है उसमें हम तेल लगा लेते हैं ताकि उसमें ढोकला का स्टफ चिपके ना। अब इसमें इनो डाल लेते हैं। इनो सबसे लास्ट में डालना है। इनो डालने के बाद भी फिर इसको अच्छी तरह फेंट लेना है, मगर ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है। उसके बाद फिर इसको इडली स्टैंड में जल्दी से डालकर चढ़ा देना है। ये देखिए मैंने इसे इडली स्टैंड में डाल लिया है। पानी को मैंने पहले ही से गर्म कर लिया था एक बड़े डेगची में। अब उसमें इडली स्टैंड को डाल लिया। डाल लेने के बाद इसको ऊपर से ढक लेना है ताकि अंदर का जो वेपर है वो अंदर ही रहे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए 10 मिनट के बाद हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप इसमें बीच में चाकू भोंकर देख सकते हैं कि इसमें जो स्टफ़ है वो लग रहा है कि नहीं। ये देखिए इसमें नहीं लगा है, कैमरे में फॉक्स आ गया है वेपर की वजह से। जो चाकू आप डालेंगे उसमें स्टफ नहीं लगना चाहिए। अब इसको हम अलग कर लेते हैं स्टैंड से। ये देखिए मैंने सारे ढोकला को निकाल लिया है। अब एक बाउल को गर्म कर लीजिए। उसमें तेल डाल लीजिए। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें सरसों डाल लीजिए। उसके बाद करी पत्ता डाल लीजिए। फिर उसमें मिर्ची डाल लीजिए। उसके बाद इनको थोड़ा चला लीजिए और अब इसमें पानी डाल लीजिए। और इसमें चीनी भी डाल लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ी देर तक चलाइए जब तक कि चीनी पूरा पानी में डिसॉल्व ना हो जाए। ये देखिए ये हो चुका है। यहाँ पर सर्विंग के लिए धनिया पत्ती मैं छिड़क रहा हूँ इस पर। अब इसमें मैं तड़का डाल ले रहा हूँ। तड़का को पूरी तरह से अच्छे से ढोकला के ऊपर डाले और इसमें मैं क्रश्ड कोकोनट्स डाल रहा हूँ।
अब देखिए सर्विंग के लिए अच्छे से रेडी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। इसको सर्व कर सकते हैं आप टमाटो सॉस के साथ और इसकी चटनी के साथ। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए सारा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑडियो का इशू हुआ है थोड़ा, उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।